नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। कुरुक्षेत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि जीटी रोड से बीजेपी की सरकार बनी है और यहीं के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए आप कुरुक्षेत्र से आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हुड्डा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में दादूपुर नलवी नहर बनवाई थी, इस सरकार ने खुद नहर को हटवा दिया। पहली बार बजट में SYL के लिए चर्चा नहीं रखी, सरकार को जनहित का ध्यान नहीं है। HPSC और HSC में नौकरियां मिलती है। हुड्डा ने कहा कि मुझे आड़तियों ने कहा कि 2 साल पहले ब्याज काटा था, लेकिन ये पता नहीं कि ब्याज किसके पास गया, सरकार के पास या किसान के पास। दलित वर्ग बदलने को किसान मजदूर सारे थे और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा या सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से भिन्न हो गया है। ये मैंने आपको बताया कि सरकार बनी कैसे, ये आप कह रहे हैं कि सरकार बनी कैसे, पिछली बार ये सरकार बनी कैसे, देखो ये सरकार एक ही देश बनी और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं, ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद से, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति हैं, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है, जब किसान मिलेगा मैं खाऊंगा आपको महंगाई, मेरी बहन बहनी है ये बताया नहीं भाई महंगाई का क्या हाल है, मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक एक्सप्रेस में चला गया डोके का है और उसने कहा कि भाई दो डोके का लो, मेरे लिए दो डोके का लो, एक एक करके ठीक है। पहला डोसा खा लिया उसने और फिर दूसरा डोसा भी खा लिया, जब मिला तो एक डोसे का बना हुए दूसरे डोसे का बना हुए, मुझे अभी यह क्या बात, उतना ही डोसा खाने वाला भी मैं दस रुपये भी हुई एक का दस रुपये हो गया 15 रुपये। बोला हाँ जी क्यों, बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया और दूसरा डोसा फरीदाबाद स्थित सेक्टर 12 के परेड ग्राउंड में आज जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में उनके फरीदाबाद में 3 कार्यक्रम हुए जिनमें लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं उन्होंने कहा कि हम भाजपा की सहयोगी पार्टी है और मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसलिए हम हर काम मिलकर करेंगे। अजय चौटाला ने कहा कि देश में मोदी और भाजपा का कोई विकल्प नहीं और देश की जनता उन्हें चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव मिलकर लड़ेंगे, जिसके लिए हमने कोर कमेटी बनाई है जो भाजपा की कोर कमेटी के साथ मिलकर बात करेगी। पंजाब में आपकी जीत पर उन्होंने कहा कि किसी एक प्रदेश में कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो फार्मूला पूरे देश पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने आप पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, इसलिए लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। मेंबरशिप ड्राइव का शुभ शुरुआत यहां से फरीदाबाद जिले से हम कर रहे हैं। पार्टी के हर कौनसी से 5000 सक्रिय सदस्य फर्स्ट फेज में बनाएंगे और संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पर मुझे अपार प्रसन्नता है कि फरीदाबाद में मेरे पिछले 2 महीने में 3 कार्यक्रम हुए हैं। जिस तरह का जोश और उत्साह फरीदाबाद की जनता में देखने को मिला और जो साथी हमारे साथ जुड़े उनकी बदौलत मैं ये कह सकता हूँ निकट भविष्य में जननायक जनता पार्टी प्रदेश में वर्चस्व करने का। NDA के सहयोगी हैं, भाजपा के साथ
मिल करके सरकार चला रहे हैं, हम हर काम के साथ मिलकर। झज्जर में सीताराम गेट क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। इसके साथ ही झज्जर जिले के विकास का खाका खींच चुका है और जल्द ही धरातल पर भी देखने को मिलेगा। सांसद के अनुसार साउथ हरियाणा रेलवे कॉरिडोर के निर्माण होने के बाद झज्जर दिल्ली से जुड़ जाएगा। बाड़सा एम्स में भी सभी ओपीडी जल्द शुरू होगी और मेडिकल कॉलेज भी एम्स में जल्द ही शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही ये सब धरातल पर दिखाई देगा। ने बाबा खाटू श्याम जी की चौकी रखी है। होली के मौके पर होली मिलन समारोह बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण भगवान बाबा खाटू श्याम जी चौकी रखी गई है और बहुत जोश के साथ आज होली मिलन का प्रोग्राम बनाए। सभी सम्मान्य झज्जर के हमारे सभी प्रेमियों ने जो है मिलकर के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा देखे, पूरा शहर के मौजूद लोग जो है आज इसमें हैं और मैं इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये जो त्यौहार है होली का त्यौहार है बहुत ही भाईचारे का, प्यार का और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसमें भाईचारे को ज़्यादा कामयाब करते हुए आपस में ऐसा हम भाव बनाएं, एक दूसरे से प्यार प्रेम और ज़्यादा बढ़ाएं, सब मिल करके किसान मजदूर गरीब दलित बैकवर्ड नौजवान हमारी महिलाएं बहनें बुजुर्ग हमारे व्यापारी सब मिल करके, और ऐसी मैं शुभकामना देता हूं सभी का ये साल बहुत मंगल आगे आने वाला समय खुश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा के गांव भी शहर की तर्ज पर ही सेक्टरों में तब्दील होंगे, जिससे गांव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। जिनको हुड्डा जैसी सुविधा अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट के तहत गांव में बनने वाले सेक्टर्स में मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोहना के राघव वाटिका में लायंस क्लब द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। क्लब के साथियों का आभार प्रकट करता हूं, वर वधुओं को यहां सामूहिक तौर पर आशीर्वाद दिलवाने का कार्यक्रम किया और उनके लिए ये आयोजन तो पहली बार नहीं है, निरंतर करते रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम देश में हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि ये जिम्मेवारी है सोसाइटी की, जो आज लोग नहीं आर्थिक सक्षम उनको इस तरह के कार्यक्रम के तौर पर आर्थिक मदद के साथ साथ उनका परिवार आगे कुशल मंगल चले। पहला सेक्टर हमने ऑलरेडी डीमार्केट कर दिया है इस हरियाणा के अंदर, जैसे हुड्डा है वैसे ही हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से गांव के अंदर हम लैंड को कूल इन करके ग्राम पंचायत के साथ और उसको सेक्टरल तौर पर डेवलप कर रहे हैं। 47 एकड़ में चौधरी देवीलाल मॉडल कॉलोनी हमने पहली विकसित करी है और उसका यही उद्देश्य है कि उस कॉलोनी के माध्यम से ज्यादा लोगों तक हम जो शहर के सुविधाएं। मिशन पंजाब में हार के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि हमारा काम विकल्प देना था। चौधरी ने पंजाब में हुए बदलाव को अच्छा बताया और कहा कि पंजाब वालों ने बदलाव चाहा था, वो बदलाव हुआ है। चाहे सत्ता में कोई भी आया हो, जनता का फैसला है और जनता के फैसले का स्वागत है और जिसकी जीत हुई वो बधाई का पात्र है। बाढ़ में जाए जी, मेरे पे ठेका है। हमारा काम था आवाज मारना जी, हमारा काम था विकल्प देना, हमने दिया। अगर कोई जबरदस्ती डूबे उसको कैसे बचा सकता है कोई? जबरदस्ती डूबे का मतलब आप नेता थे, आपने आवाज। अरे जबरदस्ती को डूबना चाहे, आप कहीं डूब रहे हो और आपको मैं बचाना चाहूँ और आप मेरे को धक्का मारो और जबरदस्ती पानी में डूबो तो मैं क्या बचा सकता हूँ? जनता को कैसे समझाएंगे बात? मिशन पंजाब आपने दिया, समझती है समझे और ना समझती है तो बाढ़ में जाए जी। मेरे पे क्या ठेकेदारी है? नहीं, ठेकेदारी का मतलब तो ये है मैं प्रयास कर सकता था, मैंने कर लिया जी। हम विकल्प दे सकते थे, देख लिया दे दिया, अब उनकी मर्जी है, उनका धन्यवाद है। उन्होंने जिसको देखिए, एक चीज तो है कि उन्होंने बदलाव चाहा था पंजाब वालों ने, बदला हमें नहीं बदला, दूसरे को बदला। यहाँ पे
हम एक बाबे के पास चले गए, उस बाबे ने बड़ी अच्छी बात कही। हमने कहा बाबा ये बताइए कौन जीतेगा, वो कह रहा है ये बताओ हमारे देश में गलत आदमी ज्यादा है कि ठीक आदमी ज्यादा है। हमने कहा गलत आदमी ज्यादा है, कह रहा जब हमारे देश में गलत आदमी ज्यादा है तो फिर गलत आदमी को पसंद करेंगे, तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम सच बोलते हो, तुम लॉलीपॉप नहीं देते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम बेईमानी नहीं करते हो, पैसा तुम्हारे पास खर्चने के लिए है नहीं, तुम्हें कौन वोट दे देगा। तो फिर और वही हुआ, तो मिशन खत्म, फिर वही। अम्बाला के शहरी इलाकों में पिछले एक साल से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चुकी है। आज अम्बाला के गांव बलाना में निशुल्क मेडिकल रक्त जांच शिविर और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज से ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कैंप की शुरुआत हो चुकी है, हर रविवार एक गांव में निशुल्क मेडिकल सेवा दी जाएगी। वहीं ट्रस्ट द्वारा मेयर शक्ति रानी शर्मा की अगुवाई में फर्स्ट एंड क्लास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत वार्ड क्लासों के बच्चों को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। फर्स्ट एंड क्लास की फाउंडर ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि एग्जाम के समय में बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग से काफी फायदा हो रहा है। इस कार्यक्रम के साथ बड़ी संख्या में कई छात्र जुड़ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अध्यापक भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी निशुल्क सेवा देना चाहते हैं। आपको बता दें कि गांव बलाना के निवासी बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप का फायदा उठाने पहुंच रहे हैं। लोगों के द्वारा कैंप में आंख दांत खून की जांच की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में भी कैंपों की उतनी ही जरूरत है जितनी शहरों में है, और यहाँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है, और बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं। उनको भी स्पेशलिटीज चाहिए, जो हम शहर में जो सुविधा दे पा रहे हैं वो हर गांव में भी सुविधा देने की ज़रूरत है। खास करके जो बच्चे भी हैं वहाँ पर, डेंटल भी है यहाँ पर आ जाए, ऑर्थोपेडिक्स भी है, आईज़ भी हैं, और हमने एक जो आईज़ के लिए एक मुहिम छेड़ा है कि जितने भी लोगों को लेंसेज की ज़रूरत है वो अम्बाला में फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप के माध्यम से डलवा सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि जिन किसी को भी लेंस की ज़रूरत है वो प्लीज़ आके यहाँ पर अपनी आँखें दिखाएं और अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। बहुत बेनिफिट है सर, जैसे कि शहर में लगे हैं पहले तो गांव में भी उतनी ज़रूरत है जितनी शहर में है, और ख़ासकर जो गाँव के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहर नहीं जा सकते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आज जो डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और जो चेकअप है वो बढ़िया तरीके से हो रहा है, और लोग हैं काफ़ी संख्या में जो अभी तक लोग आ चुके हैं, और इसका बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है पूरे जो है अम्बाड़ा में, और ज़रूरत भी है हेल्थ की। बच्चों को ये एक्सपीरियंस है जो डिजिटल लर्निंग का है, जब वो हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे तो वो यही माध्यम से आगे पढ़ाई करेंगे, और इसीलिए माता जी ये मुहिम यहाँ पर यहाँ के बच्चों के लिए लाए हैं, क्योंकि माला के सारे बच्चे माता जी अपने बच्चों की तरह समझती हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि सारे बच्चों को वही फैसिलिटीज़ मिले जो उनके बच्चों को भी मिले। ये जैसे कि माता जी ने कहा ये ग्रामीण इलाका है, तो माता जी ने ये मुहिम छेड़ी कि शहर के ही नहीं यहाँ के गाँव के भी बच्चे शहर के बच्चों के साथ सेम फैसिलिटीज़ उनको मिले, तो उनके लिए भी 9th, 10th, 11th, 12th के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और साइंस की हमने शुरू की है। तो जो भी बच्चे अपने छोटे भाई बहन के भी साथ भी आ रहे हैं और जो छोटी क्लासेस के भी हैं वो भी हमारे लिए इनरोल कर रहे हैं। आगे आगे ज़माना डिजिटल और ई लर्निंग का है, तो अम्बाला के बच्चे भी ज़माने के साथ रहें। लोहारू के बहल गांव में BRCM संस्था में 14 से 16 मार्च तक अखिल भारतीय फ्री स्टाइल महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस मुकाबले में देश के कोने कोने से 100 यूनिवर्सिटी से करीब 800 महिला पहलवान अपना दमखम दिखाएगी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से दूसरी बार अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। CBLU के खेल निर्देशक ने तैयारियों का जायजा लिया, कहा कि फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में
17 से 26 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों के दाव पेश देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता में आने वाली महिला खिलाड़ियों के ठहरने खाने की व्यवस्था भी शिक्षण संस्था के उच्च शिक्षा अधिकारी ने की है। मैंने वीआरसीएम एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सिन्हा जी से बात की तो इन्होंने भी कहा सर हर चीज को माना कि हम ये एक इलाका जो है हम जानते हैं टोटली इस प्रकार का इलाका है जो राजस्थान की बेल्ट से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार के खेलों के खेल जो है यहाँ बहुत कम पब्लिक को या बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार इसलिए ये जो लड़कियों की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप है जैसा कि बताया कि 14 तारीख से 16 तारीख तक इसका आयोजन बीआरसीएम शिक्षण संस्थान में यहाँ किया जा रहा है और इनके रहने सहने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। वैसे मैं आपको बताऊं कि खाने में खाने का कोई यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो पेमेंट के ऊपर ही खाना खाते हैं, हमें तो केवल उनको एक सुविधा प्रोवाइड करवानी होती है और जैसे कोई बेडिंग के चार्ज भी जो होस्ट जो यूनिवर्सिटी होती है भाग लेती है वही करती है, हमें वो बेडिंग उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इस तरह की भी ये कोई वो नहीं है, ये यदि अच्छी सुविधाएं हम दे देते हैं तो बहुत सारी कम पेड के ऊपर भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती कई जगह पर, लेकिन यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है जब पिछला जो कंपटीशन हुआ था वो बड़ा अच्छा और सक्सेस हुआ था जिसके अंदर तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, अब की बार लगभग मानू की 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी यहाँ भाग लेंगी और लगभग 800-900 के आसपास जो है महिला खिलाड़ी भाग लेने की उम्मीद है जिसका क्योंकि कई बार ये होता है कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है इस प्रकार का है और वो था, लेकिन अब कोरोना के बाद पार्टिसिपेशन खेलों में बढ़ा है, ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ 14 तारीख से और 16 तारीख तक इसका आयोजन हो रहा है। 13 तारीख को सभी ऑफिशियल और टेक्निकल ऑफिशियल्स की एक मीटिंग है शाम को 4 बजे, वो यही होगी, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको दे दी जाएंगी। तो वही चरखी दादरी में बंशीलाल विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा के लिए विरोध में छात्रों ने जनता कॉलेज के समक्ष धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए निर्णय लिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे परीक्षा नहीं देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। परीक्षा नियंत्रण के नाम प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा होने से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, न तो विद्यार्थियों को रोल नंबर मिल रहा है और न ही छात्र परीक्षा दे पा रहे हैं। हालांकि इस बारे में विश्वविद्यालय अधिकारियों को अवगत कराया, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। अगर ऐसा ही रहा तो विद्यार्थी परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रेवाड़ी में पूर्व नौ सैनिकों ने चंदन का तिलक लगाकर फूलों से होली मिलन का पावन त्यौहार बड़ी सौहार्द के साथ मनाया और लोगों को संदेश दिया। पूर्व नौ सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामोतार यादव और जिला अध्यक्ष कुलजीत सिंह ने कहा कि एकता और अखंडता की तरह से भाईचारे का प्रतीक रंगों का त्यौहार न केवल सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है बल्कि हमारी हिंदू संस्कृति में ये त्यौहार दिलों में पैदा हुई दूरियां और आपसी संबंध को भी बरकरार रखने वाले एक सौम्य त्यौहार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि केमिकल रंगों का इस्तेमाल न करें और पानी की बर्बादी न करके गुलाल और फूलों से होली का त्यौहार मनाएं। यहाँ पर पूरे जिला रेवाड़ी के पूर्व नौसैनिक सैंड पाइपर टूरिस्ट हरियाणा के में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमें आज अपना होली मिलन समारोह रखा है। होली जो है खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मिलजुल के भाईचारे का त्यौहार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को पूरा जिला रेवाड़ी के पूर्व नौसैनिक की तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली जो है बसंत ऋतु का त्यौहार है, यह हमारा हिंदुस्तानियों का खुशहाल त्यौहार है, एक पावन त्यौहार है। खुशी के इस अवसर पर होली पे एक ही संदेश दिया जाता है कि हम मिलजुल कर रहे, भाई बंदी से रहे, एक दूसरे से प्यार करें, यही त्यौहार है जो हमें एक दूसरे को नज़दीक लाता है। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का और हमारे यहाँ जितने भी रेवाड़ी के भूतपूर्व नौ सैनिक आए हैं उनका स्वागत करता हूँ इस होली मिलन के अवसर पर और अपनी तरफ से और अपने पूरे
रेवाड़ी नेवल वेटरन एसोसिएशन की तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सबको इस रंगों के त्यौहार पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे ये विनती करता हूँ कि अपना आपसी द्वेष भाव सब दूर करके सब मिलके होली मनाएं। राज्य स्तरीय एनएसएस कैंप के छठे दिन सोनीपत में 200 वॉलंटियर्स के साथ 9 जिलों के 30 प्रोग्रामिंग ऑफिसर पहुंचे, जहां स्वच्छता अभियान को लेकर सोनीपत में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके तहत सोनीपत के जटवाड़ा में स्थित खीजर मकबरे पर एनएसएस के विद्यार्थियों ने पॉलिथीन और अन्य बेकार पड़े सामान को हटाकर स्वच्छता की मिसाल कायम की। वहीं एनएसएस कैंप के तहत 7 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी वॉलंटियर्स को एक सराहनीय पत्र भी दिया गया। एनएसएस कैंप पर बोलते हुए मुरथल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत अध्यापिका ने कहा कि 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आज छठा दिन है, जहां बच्चों विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करवाकर प्रतिभा निखारने का काम कर रहे हैं। तो वही पुनहाना होडल मार्ग पर गांव लहाबास के ईट भट्टे के पास रिक्शे से बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गया। रिक्शा चालक तो बच गया, लेकिन पिकअप में बैठे करीब 25 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। घायलों को उपचार के लिए पुनहाना PSC रेफर किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। चश्मदीद हुमायूं ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि जब वे गांव लहाबास स्थित गर्ग ईट भट्टे के पास पहुंचे, तभी अचानक भट्टे की तरफ आ रहे एक रिक्शा निकला, जिसे बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गया और करीब 25 व्यक्ति जिसमें सवार थे, इनमें से 3 को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। बाईस जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही।